खबर दिल्ली के जंतर मंतर से है, जहां अखिल भारतीय वेद विद्यालय शिक्षक परिषद द्वारा सरकार की वेद विद्यालयों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही वेद विद्यालय शिक्षक परिषद के सचिव के नियुक्ति के चुनाव को हर 5 साल में करने को लेकर मांग की गई और यह भी कहा कि सचिव वेद विभाग से ही होने चाहिए। इस धरने में और भी कई प्रकार की मांगे रखी गई, जैसे वेद के सभी पाठशालाओं का मानोदय समान होना चाहिए, साथ ही विद्यार्थियों की मासिक परीक्षाओं को बंद करा दिया जाए और मांग रखी गई अगर किसी भी वेद के अध्यापक की अनिश्चित काल मृत्यु हो जाए तो उन्हें 25 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाए। हम लोग को आगे क्या कर सकते हैं इसमें, अगर सरकारी अधिकारी है वो, अगर कोई गलत कर रहा है, हमें गलत लग रहा है तो हम आवाज़ ही उठा सकते हैं। आवाज़ उठाने के बाद अगर नहीं होगा दोबारा आवाज़ उठाएंगे और थोड़ा बड़े संख्या में आएंगे और इसमें के लिए क्या 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 जाके हमको लड़ाई तो करेंगे नहीं। अब उनसे लड़ा भी नहीं जा सकता। यही है कि बार बार धरना देंगे और थोड़ा बड़े संख्या में आएंगे या सीधा डायरेक्ट PO में पहुँचने का प्रयास करेंगे या फिर कोर्ट में फिर न्यायालय तक जाएंगे, और क्या कर सकते हैं उसके लिए, कोई ना कोई तो सुनेगा। आगे की रणनीति क्या, प्रयास तो ये का और संभवतः ये हमें लग रहा है कि इनका कार्यकाल अभी असल में 5 साल के बाद इनका कार्यकाल पूरा होना है। इसी 5 तारीख को उनका कार्यकाल पूरा हो रहा था, इसके बाद भी उन्होंने कार्यकाल बढ़ाने की प्रयास कर रहे हैं ऐसा हमको सुनने में आया। इसलिए हमारा ये है कि क्योंकि अभी तक तो हम झेल रहे थे इनको, थोड़ा 5 साल के बाद चले जाएंगे, कोई अच्छे व्यक्ति आएंगे तो अच्छा काम करेंगे, ये भावना थी। इसलिए किसी प्रकार हम उसके साथ अपने आप को समाधान करके चल रहे थे, लेकिन अब जब कार्यकाल बढ़ा रहे हैं अब ये हद से बाहर था। दूसरा है कि हमारे ऊपर आज तक प्रताड़ना था, एक अलग बात थी, अब बच्चों के ऊपर प्रताड़ना आ रही है। बच्चों को ज़बरदस्ती पाठ्यक्रम इतना लाभ देना, आप देखिए सामान्य उस पर देख लीजिए, अगर शायद आपके चैनल के माध्यम से सचिव महोदय भी सुनेंगे, मैं सचिव महोदय से निवेदन करूँगा, सामान्यतया बच्चों के साथ हमारे पास जो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, देश के विभिन्न क्षेत्रों से दूर दूर से बच्चे आते हैं और वैदिक गुरुकुल होता है, आवासीय गुरुकुल होता है, बच्चे अपने माता पिताओं को छोड़कर 10-11 साल के बच्चे, आप समझते हैं इतने छोटे छोटे बच्चे माता पिताओं को गोद में खेलने वाली स्थिति होती है, वो अपने माता पिताओं को छोड़ करके हज़ार किलोमीटर दूर आकर के हमारे पास रह रहे हैं। पहले तो उनको माता पिताओं से अलग इतने दूर में उनको मन को टिकाने में 2-3 मिनट ऐसे लग जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर ही पाठ्यक्रम इन्होंने लाद दिया ऐसे कि पहले मैंने भी उनको परीक्षा, वो भी ऑनलाइन परीक्षा होगी भाई, सामान्यतः पाठ्यक्रम के मासिक परीक्षा तो अध्यापक तो अपने छात्रों को ले ही लेता है, उनकी बच्चों की गुणवत्ता को परखने के लिए ये अध्यापक की प्रकृति होती है, वो कर लेता है, लेकिन उसके ऊपर एक प्रशासनिक दबाव डालना और उसमें बच्चों को कुंठित करना और अध्यापकों के ऊपर और कई प्रकार की दबाव देना, बात बात तो हर 2 महीने में कुछ ना कुछ नियम लागू करेंगे, ये लिख के दे दो नहीं तो फिर आपकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी, आपका मानधन रोक दिया जाएगा, ये जो पॉइंट लिखा होता है बीच में अंत में, ये एक प्रताड़ना का विषय बनता है। वेद विद्यालय सचिव के खिलाफ अखबारों में और कई जगह खबरें पहले भी चल चुकी हैं। वेद विद्यालय के सभी शिक्षक बिल्कुल नहीं चाहते कि वर्तमान सचिव दोबारा से सरकार द्वारा उस पद के लिए निर्धारित हो। मुख्य कारण ये है कि हमारे जो वेद संस्कृत हैं, जो गुरुकुल हैं, उन गुरुकुलों को बंद करने की एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है और उस साजिश में जो मेन सूत्रधार हैं वो डॉक्टर विरूपाक्ष जड्डीपाल हैं, जो सचिव बने हुए हैं प्रतिष्ठान महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन की। हमने उनके खिलाफ पूरे भारतवर्ष से कितने अध्यापकों ने RTI डाल रखी है और अखबारों में भी निकल चुका है उनके खिलाफ, और शिकायतें भी बहुत चुकी हैं, FIR भी हो चुकी हैं, लेकिन कोई भी उनके खिलाफ जो है कार्रवाई नहीं हुई है। और अब 5 साल बाद सुन रहे हैं कि 5 साल कार्यकाल पूरा हो रहा है, फिर 5 साल के लिए वो मिली भगत पता नहीं कहाँ से कैसे करके वो उसको पूर्ण कार्यकाल को पुनः बना रहे, दोबारा से रिन्यू हो जाए, तो हम उसके विरोध में आए कि उनका कार्यकाल दोबारा ना हो। और हमारी भारत सरकार से मांगे हैं, जो इन्होंने विसंगति कर रखी है वेतन मान में, किसी को 16,000, किसी को 20,000, किसी को 65,000, योग्यता वही, सब कुछ वही, सारी व्यवस्थाएं वही, लेकिन वेतन मान में विसंगति। पूरक परीक्षा बच्चों की होती थी वो बंद कर दी, उसके बाद में और हर महीने बच्चों का जो है टेस्ट होगा, हर महीने बच्चों की परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी, जो वार्षिक परीक्षाएं होती हैं अर्धवार्षिक होती हैं अब वो मासिक होंगी। उज्जैन सचिव के खिलाफ सभी शिक्षकाना शुरू हो गए हैं, उन पर यह भी इल्ज़ाम लगाया गया कि वे पूरे वेद विद्यालयों को प्रताड़ित करके रखते हैं, साथ ही कोरोना काल में भी उन्होंने शिक्षकों को खूब परेशान करके रखा। इनके लिए हमने पहले PMO में भी लिखा है, केंद्र सरकार में लिया है, धरना प्रदर्शन पहले भी इनको जनों भारतवर्ष में कई जगह हो चुके हैं। मैं पहले तो कहना चाहूँगा कि वीरपाल जड्डीपाल जी जो हैं, जो सांदीपनि राष्ट्रीय विद्यापीठ के सचिव उज्जैन के बनाए गए हैं, इनकी नियुक्ति ही गलत है, क्योंकि इनकी नियुक्ति इसलिए गलत है क्योंकि ये साहित्य के आचार्य हैं और साहित्य के आचार्य वैदिक आचार्य नहीं हो सकता। इनकी नियुक्ति किसी अनुकंपा से
किसी सेटिंग से, किसी के प्रभाव से की गई है। और जो व्यक्ति वैदिक ही नहीं है वो वैदिक परंपरा के लिए कर क्या सकता है। इन्होंने बल्कि जब से ये नियुक्त हुए हैं जो पहले सचिव अच्छा काम कर गए थे उसको भी इन्होंने आगे नहीं बढ़ाया। वो 4 साल का कोर्स तैयार कर गए थे रूपचंद शास्त्री जी, इन्होंने उस कोर्स को भी आगे नहीं बढ़ाया और अपना 4 साल तक पैसे खर्च कर जा रहे हैं लेकिन आज तक कोर्स तैयार नहीं है। इनको कोई शिक्षा देने लगे, कोई बताने लगे तो उस पर ये इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं, उनका अनुदान रोक देते हैं, उनके पढ़ाई में कमी निकालने लगेंगे। एक अध्यापक से 2 विषय पढ़ाने का इन्होंने नियम बना दिया है, जबकि केंद्र सरकार से 1 विषय के लिए 1 ही टीचर या अध्यापक नियुक्त करने की तनख्वाह मिलती है, विषय मिलता है। लेकिन इनसे पूछें कि 1 से 2 तनख्वाह पढ़ा करके ये करने क्या चाहते हैं, वो पैसा ये कौन सी जेब में डालना चाहते हैं। अब देखना ये होगा कि क्या केंद्र सरकार अखिल भारतीय वेद विद्यालय शिक्षक परिषद की मांगों को पूरा कर पाएगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनहित टाइम्स।